हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, अवर फेवरेट टॉपिक डिफरेंशिएशन। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल means product rule. What is product rule? Product rule means if there is, for finding the derivative of product of two or more than two functions, we use like here we have two functions, then we should assume one function as a constant. Like if we assume u as a constant, then we can differentiate v, and if we assume v as a constant, then we can differentiate u, and in between we use positive sign. बेटा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास टू और मोर देन टू फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो, तो हम लोग केवल एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी जो मल्टीप्लीकेशन में फंक्शंस हैं उनको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं। तो ये फंक्शन हमारे पास गिवन होगा तो हम लोग इसको ऐसे यूज ले सकते हैं। सिमिलरली इफ वी हैव प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस लाइक यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, देन वी सपोज एनी टू फंक्शंस एज कॉन्स्टेंट, एंड वी डिफरेंशिएट थर्ड फंक्शन लाइक वी अज्यूम यू इंटू वी as a constant, then we differentiate function w, and if we assume as a constant uw, then we differentiate function v, and similarly if we assume as a constant u into w, then we differentiate function v. तो बेटा ऐसे हम लोग जो है टू फंक्शन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज ले लेंगे, थ्री फंक्शन हो प्रोडक्ट में तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? एंड अवर सेकेंड रूल इज क्वोशेंट रूल। एंड व्हाट इज क्वोशेंट रूल? क्वोशेंट रूल मीन्स इफ there is a function in numerator and denominator, okay, like dy by dx of u upon v, aisa agar koi function aa jaye hamare paas, yahan multiply mein tha yahan divide mein, to hamara kaun sa formula use lena padega? We have to use v square, v as it is differentiation of u minus u as it is differentiation of v। कहने का मतलब यह है बेटा, ये कंडीशन भी हमारे पास इसी कंडीशन से फॉर्म हुई है। अब देखो ये कैसे कंडीशन आ सकती है हमारे पास, इसको अगर हम लोग ऐसा मेंशन करते d ओवर dx ऑफ u इंटू वन अपॉन v, तो ये भी हमारे पास देखा जाए तो प्रोडक्ट रूल ही है। सो इफ वी यूज हियर u as it is differentiation of 1 upon v plus 1 upon v as it is differentiation of u, okay? Ab dekho what is the differentiation of v? Differentiation of v is u, it is minus, it is minus 1 upon v square dv by dx plus 1 upon v du by dx।
ये मास कंडीशन आ गई. कैन वी टेक एलसीएम हियर, देन वी गेट वी स्क्वायर इज एलसीएम फ्रॉम हियर एंड माइनस यू डीवी बाय डीएस प्लस वी डीयू बाय डीएस. वी गेट इट. सो इट इज आवर दिस फॉर्मूला. तो बेटा हमारे को जो है दोनों फॉर्मूले लर्न रखने हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं. इनपे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग इनकी हेल्प से सोल्व कर सकते हैं. नाउ आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस और सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज टू रूल्स. अवर फर्स्ट क्वेश्चन, अवर क्वेश्चन इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फॉलोइंग दीज क्वेश्चंस. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट रूल मीन्स यू इन टू वी. क्वेश्चन इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स इन टू साइन एक्स. सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लाइक एक्स इन टू साइन एक्स. एक्स इज एल्जेब्रिक फंक्शन एंड साइन एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो बेटा यहां टू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज लेंगे यू इन टू वी. आवर फर्स्ट रूल इज प्रोडक्ट रूल मीन्स डिफरेंशन ऑफ यू इन टू वी एज यू एज इट इज डिफरेंशन ऑफ वी प्लस वी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू. वी यूज दिस फॉर्मूला. ओके, हियर वी अज्यूम x as u and sin x as v. आप अपने अकॉर्डिंग भी u और v सपोज कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा. नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज ऑफ u एंड v हियर, देन वी गेट x as it is डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस नाउ sin x as it is डिफरेंशिएशन ऑफ x. And as we know, the differentiation of sin x is cos x and differentiation of x with respect to x is 1. So, our answer is x cos x plus sin x into 1. हम लोग यहां mention कर सकते हैं. After simplification of this, we get only sin x. So, our required answer is x cos x plus sin x. Is that clear beta? Now I am taking another question based on same formula. It is u into v into w. It is our first question, it is our second. We want to find differentiation of e to the power x into x square into log x. Is that clear? So we assume any two functions as a constant like e to the power x and x square as a constant. We differentiate log x plus, and similarly if we assume e to the power x and log x as a constant, then we can differentiate x square plus. Similarly, if we assume x square and log x as a constant e to the power x. Is that clear beta? And as we know, the differentiation of log x 1 upon x, differentiation of x square is 2x, and differentiation of e to the power x is e to the power x. So our answer is e to the power x into x square into 1 upon x plus here e to the power x into log x into 2x plus here x square into log x into e to the power x. Can we arrange it? Then we will get our required answer as x to x cancel out. So we have e to the power x into x plus here we arrange then as e to the power x 2 e to the power x into log x plus it is
e to the power x, x square log x. Is that clear बेटा? So हम लोग u into v pattern को भी I think समझ चुके हैं. u into v into w भी हम solve कर सकते हैं. Okay बेटा? Now you can calculate or solve question number third. In a to the power x into 10x by this formula u into v. Here we can assume a to the power x as u and 10x as v. तो एक बार इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस नेक्स्ट में इसको ड्रॉप कर देंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, एक को डिफरेंशिएट कर देते हैं. इज दैट क्लियर बेटा? नाउ आई एम टेकिंग अवर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. यस, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. अब आप कहोगे सर ये जो है यू इन टू वी कैसे हो सकता है? यस, वी ऑल नो दैट वी कैन राइट इट साइन एक्स इन टू साइन एक्स, मीन्स लाइक दिस, साइन एक्स इन टू साइन एक्स. नाउ वी अज्यूम वन ऑफ देम एज यू एंड अनदर एज वी, like sin x as it is, differentiation of sin x plus again sin x as it is, differentiation of another sin x. So our answer is sin x into cos x plus here also sin x into cos x. Both are same terms, then we can add them. Then our answer is 2 sin x cos x. बेटा यहां पे भी आप ड्रॉप कर सकते हो. अदरवाइज दिस इज एन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ sin 2x. सो डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x इज sin 2x. नाउ आई एम टेकिंग अवर फिफ्थ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन रूल. ओके, dy by dx of 1 plus sin x upon 1 minus sin x. It is based on quotient rule, and quotient rule is d over dx of u upon v is equal to, in denominator we use v square and v as it is differentiation of u माइनस यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v. यही प्रोसेस हम लोग यहां यूज ले सकते हैं. बेटा u इंटू v में एनी ऑफ टू वी अज्यूम u एंड अनदर इज v. लेकिन यहां अपने को फिक्स लर्न रखना है न्यूमरेटर टर्म एज u एंड डिनोमिनेटर टर्म एज v. ये फिक्स कंडीशन है. अगर यहां आपने u और v को एक्सचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, देन आंसर विल बी रॉन्ग. ओके बेटा, तो अपने को ऐसे ही इसको फॉर्मेट को फॉलो करना है, फॉर्मूले को फॉलो करना है. यस, सो फर्स्ट स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर मींस 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर. इसको कहीं कुछ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्यूशन नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, एज इट इज टर्म चलती रहेगी. नाउ वी, वी मीन्स 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स मीन्स यू माइनस 1 प्लस साइन एक्स एज यू एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वी मीन्स 1 माइनस साइन एक्स. इज दैट क्लियर? नाउ डिनोमिनेटर टर्म एज इट इज ओनली कॉपी पेस्ट करना है डिनोमिनेटर टर्म को. हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर टर्म में. लाइक 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म ना प्लस साइन एक्स, मीन्स दीज आर सेपरेट टर्म्स, सो वी डिफरेंशिएट सेपरेटली. 1 का डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट है,
जीरो. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वी ऑल नो दैट कॉस एक्स माइनस सेम हियर वन प्लस साइन एक्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन जीरो माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स. इज दैट क्लियर बेटा? नाउ सॉल्व द ब्रैकेट. वन माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर एज इट इज. नाउ वी कैन मल्टीप्लाई देम देन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हेयर प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. इज इट क्लियर? नाउ सम टर्म्स आर कैंसल्ड एंड सम टर्म्स आर एडेड. सो आवर आंसर इज 2 cos x upon 1 minus sin x whole square. This is the derivative of given function 1 plus sin x upon 1 minus sin x. So, you should try, you should practice that type of questions also. Like, question number 6 and question number 7. बेटा आप ये दोनों सॉल्व कर लेंगे इजी वे में. फिर भी कहीं आपको कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स. ओके देन, ओके थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.